कांग्रेस ने घेरा बिजली विभाग के एसई का कार्यालय। सिटी सर्किल स्तर पर शिकायत निवारण फोरम प्रारंभ करने की मांग। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर सिटी सर्किल लेवल पर आम उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण फॉर्म जो कि अभी जिला स्तर पर है उसे पुनः प्रारंभ करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने सिटी सर्किल ऑफिस का आज घेराव कर एसई से मांग की कि जल्द से जल्द शिकायत निवारण फॉरम शुरू किया जाए। हालांकि कांग्रेस के घेराव के बाद एसई संजय अरोड़ा ने मंगलवार तक सिटी सर्किल लेवल पर शिकायत निवारण फॉर्म प्रारंभ करने का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के मुताबिक मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग भोपाल ने पुराने फॉर्म ऑफ विद्युत लोकपाल के रेगुलेशन 2009 में संशोधन करते हुए 2021 के रेगुलेशन में जिसका प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र में दिनांक 30 जुलाई 2021 को हुआ था, उपभोक्ताओं के विद्युत शिकायत का जल्द निराकरण करने हेतु प्रावधान किए गए जिसमें सर्किल लेवल पर फॉर्म का संगठन हुआ था। विद्युत विभाग के पूर्व अधीक्षण यंत्री जबलपुर सिटी द्वारा सर्किल लेवल फॉर्म का गठन तो जरूर हुआ था पर केवल कागजों तक ही सीमित रहा। कुछ मेंबर का ट्रांसफर हो जाने से उपरोक्त फॉर्म का गठन निर्जीव हो गया था। इस संबंध में नियामक आयोग ने रिक्त पदों को तुरंत भरने हेतु निर्देश कंपनी को दिए। इसके बावजूद भी सिटी सर्किल के द्वारा शिकायत निवारण फॉर्म प्रारंभ न कर आम बिजली उपभोक्ता के अधिकारों का हनन किया है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 30 जुलाई 2021 की धारा 3.1 का संदर्भ देते हुए एसई महोदय को अविलंब शिकायत निवारण फॉर्म प्रारंभ करने का ज्ञापन सौंपा। एसई संजय अरोड़ा ने इस बात को माना है कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने रेगुलेशन के तहत सिटी सर्किल लेवल पर फॉर्म प्रारंभ करना अनिवार्य है और मंगलवार तक इस फॉर्म को प्रारंभ कर दिया जाएगा ताकि आम बिजली उपभोक्ताओं की समस्या का निराकरण सिटी सर्किल लेवल पर किया जा सके। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।